नए नए रूप में दस्तक दे रहा कोरोना। डेल्टा ओमिक्रोन के बाद अब किसकी बारी? क्या आने वाला है एक और नया वेरिएंट? क्या जन्म ले सकता है नया सुपर वेरिएंट? डेल्टा ओमिक्रोन से मिलकर क्या होगा तैयार? ।2019 में पूरी दुनिया में दहशत मचाने वाले एक सूक्ष्म जीव ने न जाने कितने ही लोगों को चपेट में लिया और उनकी जानें ली। इस सूक्ष्म जीव का नाम कोरोना है। जाहिर है इस नाम से अब दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ है। कोरोना के साथ आए उसके तमाम वेरिएंट्स ने जमकर लोगों में दहशत और कहर बरपाया, जिससे कितनों ने अपनों को खोने का दर्द दिया। इस वायरस की चपेट में सभी देशों की आर्थिक स्थिति को भी डगमगा दिया। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने पर ब्रिटेन को भी इस वायरस ने नहीं बख्शा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसे B.1.617.2 के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता रहा, लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने जिस रफ्तार से पैर पसारने शुरू किए हैं, सभी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से दुनिया परेशान है। इस बीच सुपर वेरिएंट का खतरा भी सामने आने लगा है, क्योंकि ब्रिटेन के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने डराने वाली चेतावनी जाहिर की है, जिससे सरकार और स्वास्थ्य महकमों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस चिंता को बढ़ाया है मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर ओमिक्रोन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। कैसे होती है म्यूटेशन? पूरे विश्व में ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कोविड के म्यूटेशन भारत में सिर्फ डर पैदा नहीं कर सकते, बल्कि एक साथ पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। केवल कुछ ही प्रतिशत में उनकी पहुंच कोविड वैक्सीन तक है। वायरस और अन्य पैथोजेंस को प्रकृति से म्यूटेट करने और अलग करने के लिए जाना जाता रहा। WHO के मुताबिक एक वायरस अपनी ही प्रतिकृति बनाता है या अपनी कई कॉपीज बनाता है, जो सामान्य बात है। इन बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। किसी वायरस के एक या अधिक म्यूटेशन को असली वायरस का वेरिएंट कहा जाता है। म्यूटेशन में जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी हो सकती है, जो उन्हें अधिक गहराई से हेल्दी सेल्स को पार करने या अटैच करने की अनुमति दे सकता है। कैसे बनता है सुपर स्ट्रेन? एक डबल म्यूटेशन जब उभरता है, तब एक वायरस स्ट्रेन के दो म्यूटेशन मिलकर तीसरे सुपर संक्रमित स्ट्रेन को बनाते हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रोन की आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया। डॉक्टर बर्टन के बयान से बात सामने आई कि इंसान कोरोना की ही एक म्यूटेशन स्ट्रेन से संक्रमित होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां दो स्ट्रेन एक ही वक्त पर मरीज को संक्रमित करते हैं। इस समय कोरोना के सुपर स्ट्रेन के मामले में जो बात सामने आई है, उसके चलते अगर डेल्टा और ओमिक्रोन दोनों एक सेल को संक्रमित करते हैं तो आपस में DNA की अदला बदली कर सकते हैं। इसी एक्सचेंजिंग प्रोसेस के चलते कोरोना का एक और नया सुपर वेरियंट बन सकता है। जीन शेयर और स्वैप कर कोरोना का एक और नया वेरियंट जन्म ले सकता है। पहले भी हुए थे जीन शेयर और स्वैप। ब्रिटिश हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जनवरी में स्पेन में कुछ ऐसे मामले दर्ज किए जिनमें अल्फा स्ट्रेन और B.1.177 स्ट्रेन आपस में जुड़कर एक हो गए। वहीं कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने फरवरी में बताया था कि उन्होंने एक ऐसे स्ट्रेन की पहचान की है जिसमें केन स्ट्रेन और B.1.429 आपस में मिल गए थे। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट पीटर व्हाइट ने भी इसी महीने एक सुपर स्ट्रेन उभरने की चेतावनी दी। हालांकि ऐसे अधिक जोखिम वाले तीन मुख्य इनफेमस कोविड वेरिएंट केंट UK, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से निकले हैं, जो असली वायरस स्ट्रेन के वेरिएंट्स हैं। कहां तक फैलाई ओमिक्रोन ने अपनी दहशत? जहां कोरोना के ओमिक्रोन वायरस ने दुनिया में अपने कदम ही रखे हैं, तो लगता नहीं है कि कोई भी देश इसके चपेट में आने से बच पाएगा। अपने पैरों को पसारते हुए ओमिक्रोन भारत समेत 91 देशों में अपनी छाप छोड़ चुका है। 9009 केस डेनमार्क में, 1792 केस नॉर्वे में, 1247 केस साउथ अफ्रीका में मिल चुके हैं। भारत में ये वेरिएंट करीब 150 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। नीति आयोग ने चेतावनी जारी कर बताया कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में संक्रमण फैलता है तो हर दिन कई लाखों के केसेस सामने आएंगे। कोरोना जहां अपने आप को नए रंग में ढालता रहा, उसे देखते हुए जितनी जल्दी बचाव के कदम उठाए जाएं उतना बेहतर, वरना कोरोना के सुपर स्ट्रेन की चपेट में कब कौन फंस जाए कहा नहीं जा सकता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।